टेक्निकल क्लासेज बाई सेवा सर बाई रोहिड़ा में आप सभी का स्वागत है। जो आज का अपना टॉपिक है वो रफनेस वैल्यू अर्थात खुदरेपन का मान, रफनेस ग्रेड अर्थात इसकी खुदरेपन की ग्रेड, और रफनेस सम्बोयल अर्थात जो आपकी खुदरापन है इसका प्रतीक क्या है, इसके बारे में है। ये देख लिए सामने रफनेस ग्रेड लिखी गई है, ये आपकी N1 से N12 तक होती है। ये जो ग्रेड लिखी गई है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12 ये आपकी रफनेस ग्रेड है, जिसको हम रा मान माइक्रोन्स में बोलते हैं। अर्थात ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी माइक्रोन्स के अंदर है। से N1 की जो ग्रेड नंबर या वैल्यू है, रफनेस नंबर है, वो आपका N1 आपका ग्रेड नंबर है, और इसका राम मान माइक्रोन्स के अंदर 0.025 माइक्रोन्स है। प्रकार से N2 आपका ग्रेड नंबर है और इसका राम मान माइक्रोन के अंदर 0.05 माइक्रोन है। इसी प्रकार से N3 का 0.1 है, N4 का 0.2 है, N5 का 0.4 है, N6 का 0.8 है, N7 का 1.6 है, N8 का 3.2 है, N9 का 6.3 है, N10 का 12.5 है, N11 का 25 है, N12 का 50 है। 50 अर्थात रामान माइक्रोन में। मेरा कहने का भाव ये है, यहाँ N1 से लेके N12 तक रफनेस ग्रेड नंबर होते हैं, अर्थात खुदरेपन की ग्रेड संख्या होती है। खुदरेपन की ग्रेड संख्या 12 होती है N1 से N12 तक। इसी प्रकार से रा मान होता है इसका, अर्थात माइक्रोन्स में मान होता है, जो N1 से शुरू होकर N12 तक अर्थात 0.025 माइक्रोन से शुरू होकर N12 का माइक्रोन 50 माइक्रोन तक होता है। जो ये माइक्रोन्स मान है ये सरफेस सतह दिखाते हैं, अलग अलग कटिंग की, अलग अलग फिनिशिंग की दिखाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम इसके सिंबल अर्थात प्रतीक यूज करते हैं, रफनेस या खुरदरेपन का प्रतीक। जैसे रफनेस ग्रेड हमारे पास N1, N2, N3 है। N1, N2, N3 के लिए हम जो रफनेस या खुरदरापन का प्रतीक है वो 4 त्रिभुज होती हैं। ये देखिए मैंने ऊपर प्रतीक लिख के नीचे इसका फिगर बनाया। इसी प्रकार से N4, N5, N6 इसके जो रफनेस संबोयला प्रतीक है वो 3 त्रिभुज होती हैं। N7, N8, N9 इसकी 2 त्रिभुज संबोयल होती हैं। N10, N11 की 1 त्रिभुज संबोयल होती है। N12, N12 का लेटा हुआ S इस प्रकार से ये रेखा दिखा दी गई है नीचे। ये सामने देखो 50 की लाइन के सामने ये दिखाया गया है, ये आपका N12 का मान है। इसी प्रकार से हम इसका फिगर बनाते हैं और इसको दर्शाते हैं कौन सा, जैसे मिलिंग के लिए, चिपिंग के लिए, प्लेनिंग के लिए, हॉट रोलिंग के लिए ग्रेड नंबर कौन कौन सा प्रयोग होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो सरफेस टेक्सचर होता है अर्थात जो सतह होती है उसको पोजीशन से स्पेसिफाई किया जाता है। वो जो पोजीशन दी गई है वो A, B, C, D, E, F ए से लेके एफ तक डिनोट की गई है। जो ए होता है, जो रफनेस वैल्यू निर्धारित की गई है, वो आपकी सतह का औसत अपसरण है, अर्थात सतह के ऊपर जो सरफेस है, सरफेस सतह डिनोट की गई है। इसे माइक्रोमीटर में व्यक्त किया गया, अर्थात इसकी जो यूनिट है वो माइक्रोमीटर है, और एक माइक्रोमीटर 0.001 mm के बराबर होता है, या एक माइक्रोन 0.0001 mm होता है, या इसका खुदरापन
व्यक्त करने के लिए सरफेस के अनुसार हम मान देते हैं, ये दिखाया गया है आपको। रफनेस ग्रेड थी और रफनेस संबोयल थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई गई हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको काफ़ी ध्यान से करना। ये देखिए कैसे N1 से N3 थे, ये ABCDE सॉरी हाँ EF है। इसका जो प्रयोग है ड्राइंग में सरफेस टेक्सचर का विशिष्टीकरण की स्थिति है। ए रफनेस वैल्यू, बी प्रोडक्शन, सी सैम्पलिंग, डी ले ऑफ दिशा, ई मशीनिंग अलाउंस, एफ ब्रैकेट में रफनेस दिखाई गई है। इस प्रकार से ये चैप्टर ध्यान से देखना। धन्यवाद।